हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट द विशाल। ये वीडियो सभी बॉलर्स के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे बॉलर्स विकेट निकाल सकते हैं मैच में। सबसे पहले गाइस आपको बता दूं, विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बॉलर्स के लिए, क्योंकि अगर आप विकेट्स नहीं लोगे तो आप कभी भी एक अच्छे बॉलर नहीं बन सकते हो। विकेट आपको एक अलग मुकाम हासिल करा देगा अगर आप विकेट लो, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हो तो विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम डिस्ट्रिक्ट के बाद आपकी स्टेट लगेगी अगर आप विकेट लोगे। आप कोई अच्छा टूर्नामेंट खेल रहे हो, अगर आपके उस टूर्नामेंट में विकेट नहीं है तो आप मैन ऑफ द सीरीज़ नहीं बन सकते, मैन ऑफ द मैच नहीं बन सकते। तो विकेट लोगे तो आपका मैन ऑफ द मैच भी बन सकता है और मैन ऑफ द सीरीज़ भी बन सकता है। तो विकेट बहुत अहमियत है। T20 भी ले लो आप, डेज ले लो या वन डे ले लो। तो आपको पूरा बताऊँगा कि विकेट कैसे निकलते, क्या आपका माइंड सेट होना चाहिए, कैसे आप बैट्समैन के माइंड सेट को पढ़ सकते हो मैच के दौरान। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको बताऊंगा रेड बॉल से, उसके बाद बताऊंगा आपको व्हाइट बॉल से। रेड बॉल का मतलब जो बड़े ओवर्स के मैच होते हैं, जैसे आप डेज मैच ले सकते हैं, 2-3 दिन के मैच होते हैं और ज़्यादा ओवर्स के मैच होते हैं। और व्हाइट बॉल का मतलब वन डे मैच जो एक दिन के होते हैं, 40-50 ओवर के, और T20 अपना व्हाइट बॉल से होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेड बॉल का। रेड बॉल पर गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको एक जगह बॉल डालना आना चाहिए। हो सकता है आपको एक दो चौके उधर से लग जाएं, पर आपको अपना टप्पा कभी भी मिस नहीं करना है। अगर आप 3/4 बॉल डाल रहे हो तो गारंटेड आप अपने स्पेल में एक दो विकेट ज़रूर निकाल के ले जाओगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक जगह बॉल नहीं डाल सकते तो आपको विकेट नहीं मिलेगा। डेज क्रिकेट में, बड़े ओवर्स के मैच में आपको कभी विकेट नहीं मिलेगा। और एक दूसरी बात, आपको स्विंग कराना आना चाहिए। स्विंग बहुत ज़रूरी है। आप एक ही स्विंग में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अब आप अगर इन स्विंग डालते हो तो आप इन स्विंग ही डालते रहो एक जगह टप्पे से, यानी कि आप एक बॉल पीछे डाल रहे हो, एक बॉल आगे डाल रहे हो, एक बॉल इधर डाल रहे हो, एक बॉल उधर डाल रहे हो, तो कभी भी आपको विकेट नहीं मिलेगा। अगर आप बड़े ओवर्स का मैच खेल रहे हो, आप डेज क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपको एक जगह बॉल डालनी आनी चाहिए। और आपको एक और बात बता दूं, अगर आप बड़े ओवर्स में का मैच खेल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए बैट्समैन किधर खेल रहा है, बैट्समैन इन स्विंग पे कमज़ोर है या आउट स्विंग पे कमज़ोर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैच का माहौल क्या चल रहा है, ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि बैट्समैन किधर कमज़ोर है, पैड निकल रहा है नहीं निकल रहा है, बैट्समैन पीछे जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सब ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी डेज क्रिकेट में आपको एक टप्पा और स्विंग आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं व्हाइट बॉल। गाइस व्हाइट बॉल से थोड़ा मुश्किल होता है बॉलर्स के लिए बॉल डालना, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स का मैच होता है, कम ओवर्स का मैच होता है, उसमें बैट्समैन एग्रेसिव मूड में होते हैं कभी कभी, तो आपको पता नहीं होता बॉल किधर डालनी है। आपको एक दो चौका पड़ जाता है तो आपको पता नहीं होता अब आगे अगली बॉल क्या डालूं। तो गाइज उसमें सबसे ज़रूरी है आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आप छोटे ओवर्स के मैच खेल रहे हो तो कभी भी आपको घबराना नहीं है। बहुत बॉलर्स देखे होंगे आपने, IPL भी खेलते हैं, IPL बड़ा लेवल है, आप छोटे लेवल पर देखो, अपने टूर्नामेंट्स देखते होंगे, उसमें एक दो चौका लग जाता है, आप भी बॉल डालते हो तो घबरा जाते हो, मतलब एक बॉल उधर डाल दोगे फिर, मतलब आप घबराने, आपको कभी भी घबराना नहीं है। आपको एक दो अगर हिट लग भी रहे हैं, आपको एक दो छक्के लग गए तो आपको घबराना नहीं है। आपको बैट्समैन को पढ़ना है कि बैट्समैन किधर मार रहा है, आपको देखना है बैट्समैन किधर मार रहा है, कैसे खेल रहा है, जब जाके आप एक अच्छे विकेट टेकर बॉलर बन सकते हो। अगर आप घबरा गए तो आप कभी भी विकेट नहीं लोगे और बड़ा ओवर साबित हो सकता है। दो आप देख सकते हो 5-6 छक्के का ओवर आराम से साबित हो जाएगा। IPL में भी 5-5 छक्के लगते हैं, तो ये ज़रूरी है, आपको बड़ा दिल रखना है और आपको बैट्समैन को दिमाग को पढ़ना आना चाहिए। अगर आप छोटे T20 लेवल का टूर्नामेंट खेल रहे हो, अगर T20 खेल रहे हो तो आपको ना बैट्समैन का दिमाग पढ़ना आना चाहिए कि बैट्समैन अब क्या करने वाला है। वो पढ़ोगे कैसे, आप अगर देख रहे हो बैट्समैन को आपने आगे बॉल डाला, उसने आगे से आपको हिट कर दिया, तो आप देखो कि वो पीछे की बॉल कैसे खेल रहा है, मतलब शॉर्ट बॉल कैसे खेल रहा है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। अगर वो शॉर्ट बॉल पर कमज़ोर है तो आप एक दोस्त को शॉर्ट बॉल डालो, वो वहीं पर बॉल खड़ी कर देगा। आप देख सकते हो अगर आपको शॉर्ट बॉल पर लग गया, आपको आगे भी लग गया, तो आप कटर, आपके पास वेरिएशन बहुत ज़रूरी है, आप कटर लगा सकते हो, स्लोर वन लगा सकते हो अच्छे वाला, ये सब ज़रूरी है। अगर आपको विकेट लेना, आपको बैट्समैन से पहले सोचना पड़ेगा कि बैट्समैन क्या कर रहा है, मुझे उससे पहले सोचना पड़ेगा कि बैट्समैन क्या कर रहा है, ये ज़रूरी है। छोटे क्रिकेट में मैंने बहुत बॉलर्स देखे हैं, खुद भी एक्सपीरियंस लिया है, खुद बॉल डालता हूँ, हमारा दिमाग थोड़ा ब्लॉक हो जाता है जब रन पड़ने स्टार्ट होते हैं, ये बहुत ज़रूरी। तो उस टाइम आपको अपने इनिंग्स में जो आप मेहनत करते हो, जो जो आपके पास वेरिएशन है, वो आपको अपने मैच में दिखाना पड़ेगा उस टाइम, क्योंकि ज़रूरी है। आप स्टार्टिंग में जब आप 50 ओवर्स का मैच खेलो, स्टार्टिंग में आप 3/4 बॉल अपने डाल सकते हो टप्पे पर, अगर बैट्समैन एग्रेसिव है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किधर फील्डिंग लेनी है, फील्डिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत लड़के देखे हैं पीछे फाइन लेग ज़रूरी नहीं होता है T20 क्रिकेट में, पर लेके रखते हैं, जैसे कैप्टन ने बोल दिया वही, अगर आप बॉल इधर डाल दो तो उधर पीछे की ज़रूरत ही नहीं है। यही सब बातें ज़रूरी, आप कट भाड़ ले सकते हो, आपको दिमाग चलाना है अपना, कैसे चलाओगे धीरे धीरे सीखोगे। आप ट्राई करो, पहले एक मैच में इधर बॉल डालो, फिर देखो कि क्या गलती हुई मेरे से, फिर सीखो, अपने सीनियर से पूछो कि भैया क्या गलती हुई, किधर फील्डर ले सकता था किधर नहीं, ये सभी ज़रूरी है अगर आपको विकेट टेकर बॉलर बनना है। आपको बैट्समैन की सोच से
ऊपर सोचना पड़ेगा कि बैट्समैन क्या सोच रहा है, फिर आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। वो सीखो कैसे, गाइस आप मैचेस देखते हो उनसे सीखो कि बॉलर्स कैसा सोचते हैं, कैसी बॉल डालते हैं, जब रन लगते हैं क्या क्या वो करते हैं। जितना ज़्यादा आप टूर्नामेंट खेलो गाइस उतना आपका माइंड शार्प होगा। माइंड बहुत ज़रूरी है, अगर आप बॉलिंग करते हो बिना माइंड के कभी बॉल ना फेंको, आप जाओ और सीधा बॉल फेंक दो तो ऐसे कभी भी आप विकेट नहीं निकाल सकते हो। तो आपको ये सब बातें ज़रूरी है गाइस जो मैंने आपको बताई, अगर आपको विकेट निकालना है आपका माइंड शार्प होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे बॉल फेंकनी है, और आपका थोड़ा बड़ा दिल होना चाहिए। ये नहीं कि आपको एक दो छक्का लग रहा है तो आप नर्वस हो जाओ। तो ये सभी बातें ज़रूरी है अच्छे बॉलर बनने के लिए। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुछ भी आपके क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें। क्रिकेट विद विशाल सेम अकाउंट है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।